अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और पेपर ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त टाइम है रिलैक्स होने का। टूर किया है, प्लान किया है क्वेटा जाने का और बाय ट्रेन, लेकिन क्वेटा अभी तक नहीं गया मैं, ठीक है। और अहमद भी नहीं गया, अहमद और मेरा फर्स्ट टाइम है क्वेटा। और इंशाल्लाह हम अभी तकरीबन 4:25 की ट्रेन का टाइम है और इस वक्त राउंड अबाउट टाइम 2:45 हो गया। तो इस वक्त मैं घर से निकलूँगा। घर से निकलने से पहले मेरे पास चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। पावर बैंक ले लिया है, हैंड फ्री ले लिया है, एक चार्जर है एंड्रॉयड का, एक टाइप सी, एक एक्स्ट्रा केबल विद लैपटॉप। और क्योंकि ट्रेन में और कुछ होना हो बंदा बोर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने अपने साथ एक लैपटॉप रख लिया ताकि अगर बोरियत शुरू हो जाए तो कोई मूवीज़ वगैरह देख लें। बाकी एक बैग ये रेडी है मेरे पास और ये दो बैग मेरे साथ जाएंगे। बस अभी टाइम हो गया तो 3 बजने वाले हैं, अब मैं घर से निकलता हूँ। तकरीबन जाते हुए भी मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। रेलवे स्टेशन पर लोगों का अपनों से मिलने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करना और फिर इस चीज़ का कयास करना कि जब वो अपनों से मिलेंगे तो उनके आसार कैसे होंगे। सामान चूंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा था, हाथ बिल्कुल फ्री नहीं थे, वीडियो शूट करने का मौका ही नहीं मिला। और जब हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए और सामान वगैरह एडजस्ट कर लिया था तो तकरीबन आधे घंटे के बाद जो थी वो ट्रेन चल चुकी थी। 4:25 का इसका निकलने का टाइम था और इस वक्त राउंड अबाउट 4:30, और ये अभी तक निकली नहीं है यहाँ से। इस मुकाबले में कराकरम जो है वो टाइम से निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही कराची की सिटी के अंदर एंटर होती है लांडी से ऑनवर्ड बहुत टाइम लगाती है, 4-5 या मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा, उसको तय करने में हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, रश की वजह से, क्योंकि आगे गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ियों की वजह से जब तक वो क्लियर नहीं होती तो ये भी क्लियर नहीं होती। जाफरा एक्सप्रेस 1 एंड ओनली इन रूट टू क्वेटा की है ये गाड़ी, जो क्वेटा जाती है, और इसके आगे कोई गाड़ी नहीं है ना इसके पीछे कोई गाड़ी है। इसको एस्टिमेट राउंड अबाउट 24 घंटे लगते हैं, इसका अराइवल 24 घंटे का। मैं लग रहा है आपके पास है चार्जिंग लीड, आप दे दो, मैं आपको आधे घंटे चार्ज कर ला के दे दूंगा। ये लोग कोई और चीज लगाते हैं, लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोग जो है ना यहाँ पे केटल वगैरह चलाते रहे, पूरा ओवेंज जो है ना पूरा बस गाड़ियों में आग मार फोल ये वो तारे मारे। इसमें हम तो ये सिर्फ लीड ही हमें लगानी है और कुछ नहीं। सर जी अगर मोबाइल चार्ज करना है तो वो मुझे दे दो, मैं आपको चार्ज कर वहाँ से ला के दे दूंगा, बंद करके दे देना, लीड साथ दे देना बस। वो पावर बैंक आपने अगर मोबाइल चार्ज करना है मेरे पास, आप ये वाला दे दें, ये चार्ज हो जाए, आप मेरे वाले पावर बैंक से चार्ज कर लेना। ये पावर बैंक को कर देना, फिर हम इससे काम चला लेंगे, ये चार्ज हो जाए ऐसा थोड़ी से काम चला। आपने अगर अभी चार्ज करना है तो मैं दे देता हूँ आपको पावर बैंक, है मेरे पास, ठीक है। इशू होना चाहिए तो पंजाब में बावन पते पूरे सर जी। इसमें तो वो देखिए अपने लाइटें जलना शुरू हो गई, जिसमें हम चार्जिंग उठा लिया, हम दो साथी हम हो जाएंगे, आप दो हो जाएंगे, ठीक है, हम दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नहीं ये रंग खेल लेंगे, रंग मुझे सिखानी है आपने, ठीक है, मैं भी इसे समझा देता हूँ ना। फर्ज करें ये 4 पते मैंने आपको दे दिए, ठीक है, अभी इसमें जो है ना जिसको रंग बताओ, जिसको पहला दे दिया ना रंग उसने बोलना है, जिसको पहला पता दे दिया, हाँ मगर 4 पते जिसको पहली दफा दे दिया ना, मैं फर्ज करो मैं इन्हें दे दिया ना, यूं आएगा ना, तो इसने इसमें रंग बोल देना है, चाहे भले एक ही पता क्यों ना हो, बोलना है उसने, अच्छा लाल बोलना, जो भी जो ताकतवर पता होगा, जो भी पास अक्सरियत होगा वही रंग होगा, जो सबसे बड़ा पता होगा मतलब उसका रंग बोलना। फर्ज करें उसके पास जो बड़ा पता, बड़ा पता फर्ज करें ये हुक्म है ना, लेकिन बाकी 3 जो है एक जैसे तो वो ये भी बोल सकता है, वैसे कोशिश करनी है बड़ा पता बोले, नहीं वो अक्सरियत पे बोलना है, अक्सरियत पे बोलना है, जो आपके पास जिस
कलर के अक्सरियत पे पते आएंगे वही उसका रंग होएगा फिर उसमें, ठीक है। फिर रंग की वजह से होते हैं ना, रंग के ऊपर वीटो पावर भी होती है। तो आपको आसरा है कि यार मजीद भी आएंगे तो फिर आप वो भी बोल सकते हैं, भी कह सकते हैं। जी मेरे पास तो बाकी जो है ना दुखी और पंजी और दूसरे हैं, तो आप वो यक्के पे भी बोल सकते हैं, जी हो सकते हैं मजीद पते आ जाए तो वो अब आते रहेंगे पते। हाँ, और भी आपके चार हैं, फिर उसके बाद चार और दे देंगे, पांच होएगा पहले पोर्शन, फिर चार, पहले पांच फिर चार, चार आ जाए। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर नहीं आते, मेरे पास यक्का नहीं आता बाद में, नसीब ये तो चुन के नहीं दे सकते आप, चुन के देना पड़ेगा। नहीं चुन के तो इस तरह गेम में तो नहीं होगा, गेम में आपका मर्जी का ओवर थोड़ी होगा कि इस खिलाड़ी ने ओवर डाले या नहीं डाले, ठीक है। आप दो हैं, हम दो हैं, हम दो हैं, ये दो हैं सामने सामने, छुपाने पते से उसको नहीं दिखाने हैं ना, आपने अपना वेपन नहीं दिखाने हैं, वेपन नहीं दिखाने, नहीं हथियार होगा आपके पास ना। अभी देखो ये रंग बोलेगा ना, आपने हर कलर के ये अलग अलग रखने हैं, ठीक है, हर पोर्शन को अलग रखना है। ट्रेन में टाइम पास करने के लिए हमने ताश खेले, और ताश में जो हमने गेम खेली थी उसका नाम था रंग। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक अपने दोस्तों के साथ जो थी वो डकैती खेली थी और बाबी ढुल्ला खेला था, लेकिन ये गेम बिल्कुल अलग थी। इस गेम के अंदर सबसे पहले जिसको पत्ते बांटे जाते हैं, उन पांच पत्तों में जौन से रंग की तादाद के कार्ड ज़्यादा होंगे उसको रंग का नाम दे दिया जाता है। ये गेम बिल्कुल अलग थी और इंटरेस्टिंग थी, जिसको हमने अच्छा खासा इंजॉय किया। इन कोटा के लोगों के साथ हमें सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन सफ़र इतना लंबा था कि 27 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल था, जिसमें हमने कोशिश की कि जितना टाइम स्पेंड इजीली हो सके हम कर सकें। कोटा के लोगों के दुख बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके चेहरों से ज़रा सा भी पता नहीं लगता कि ये उन दुख से क्या टाइम गई है। नान इसने वही स्टेशन से ही पकड़े हुए हैं ना, ये स्क्रब के लिए यूज करते हैं सुबह सुबह उठ के, तक तो सही है जो है ना टॉयलेट पेपर टॉयलेट, लेकिन कमरे में इसको कैसे रखे, कैसे सर मैं वापस ले जाता हूँ ना, स्क्रब टिश्यू लाना है, ये भी लेके ले गए टिश्यू लाना है, ये वाले लाना है, सही है ना सर, मैं अपने पास से आगे से ले लूँ, नहीं अपने पास से नहीं, हां बताएं मैं यही कर सकता हूँ, नहीं अपने पास से। एयर फ्रेशनर में कितने फ्लेवर आपके पास, सारे लेके आए, मैं अभी कंपनी को फोन करता हूँ। हमें जो पसंद आएगा हम वो करवाएंगे, ये जाया ना करना, सैनिटाइजर दे, सैनिटाइजर तो ठीक है, जो पर ले आए सैनिटाइजर, इसको सैनिटाइजर चाहिए, नहीं मैं क्या काम आ जाएगा, किसी को काम आ जाएगा, आप प्योर हो गए जरूरतमंद, ये भी लॉर्ड में उठाए होंगे कच्चे जिस तरह की हालत हुई है ना, नहीं मतलब के बोलते हैं हमारी जबान में टिश्यू पेपर होता है, इतना मोटा टिश्यू पेपर, पेपर के खत्म होने से पेपर्स में क्या लिखा है टिश्यू, ये यहाँ पे क्या टॉयलेट पेपर दे रहे हैं, पेपर में भी लोग इस्तेमाल नहीं करते ना, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं खोले रंग तो सीखे, पेपर्स में क्या क्या लिखा हुआ था बताइए जरा, 10-11 आइटम लिखी हुई क्या क्या, एक वो इंसेक्ट किलर, अच्छा एक हैंड सैनिटाइजर्स, अच्छा और हैंड वॉश लिखे हुए थे, और उसके अलावा टिश्यू पेपर लिखे हुए थे, पर बाथरूम में हैंड वॉश किस कैसे पड़े हुए हैं आपको दिखा दिया,
लेके जा रहा था, मैं कहा दिखाए पर्ची पे है क्या, मैंने देखा हूँ, मैं कहा वही चीजें तो आई नहीं ये कहा है भाई, ये क्या है अच्छा मैंने पढ़ना शुरू किया और कहता दिखाया तुझे, दिखाया लेके चला गया भाई मेरे से पढ़ा, मैं कहा एक मिनट से गई मैं जरा गौर से पढ़ू, फिर मैंने उसकी क्वालिटी पूछी, मैं कहा 240 टिश्यू पेपर 240 टिश्यू पेपर लिखे हुए उसके ऊपर, मैंने कहा आया था नहीं, कहते ये तो फॉर्मेलिटीज होती बस, ये ठेकेदार साहब साइन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है भाई, ये मैं कहता हूँ आप रख लें अगर आपके डिब्बे में कोई आ गया तो यहीं बिछा लेंगे, पूरे तकिए के काम आएगा ना इसी के, हाँ कम से कम मैट्रेस के काम आ चुका है, ये सुबह के 7 बज चुके थे और हम शिकारपुर पहुंच गए थे और ये चचा वहां पे एक्सरसाइज कर रहे थे। हर स्टेशन पर पहुंचकर हमें सिर्फ ये खुशी होती थी कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ट्रेन रुकते सिर्फ ये मालूम होता था कि ये स्टे तो सिर्फ 2 मिनट का था, और चचा ने हरी झंडी हिलाकर कहा कि चलो वापस आ जाओ ट्रेन में, हम जाने लगे हैं। सुल्तान 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 भाग 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 और तेज और तेज और तेज, वाह बस खत्म हो गया। आप देखें ना कि पूरे सूबे की एक ही ट्रेन है और उसका ये हाल है, आप लोग को देखेंगे जो है फिर कह देंगे जी बलूचिस्तान के लोग जो है रोते हैं या बलूचिस्तान के लोग क्यों ना रोए, बलूचिस्तान के लोग बात क्यों ना करें। अब आप देखें जो है कि ट्रेन की ये पोजिशन है 1958 से जो है ना सुई नहीं जला गैस जो है ना आपके दरियाफ्त हुई है, अब उसी डिवीजन से मेरा ताल्लुक है जो ना सुई जो है ना सिविल डिवीजन का जो ना पार्ट है, हमारे पास जो है 58 की निकली हुई गैस जो है हमारे पास 90s में है और अब भी उसकी जो पोजीशन है कि जो है ना हमारे पास जो है अभी कोयटा जो है ना सबसे जो है कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहाँ भी जो है ना 12-12 घंटे गैस नहीं होती, तारीख बड़ी पड़ी है यहाँ के लोगों की कुर्बानियों के हवाले से, तो ये ज्यादतियाँ हैं आप लोग खुद देख रहे हैं जो ना आप देख कि एक ही ट्रेन है उसका क्या हाल है, वही जो है ना वही जो अपना यतीम बच्चे वाली बात है कि जो जो ट्रेन स्पीड वाले गुजरती है इसको इसको साइड पे खड़ा कर दो, वही यार बस करो यार क्यों साइड पे खड़ा कर दो, बलूचिस्तान के लोग कोई अशूत है कोई जो ना वो जो ना हम कोई किराया नहीं दे रहे फीस मिला में कोई जो ना ट्रेन में जो ना कोई डा पहुँचा रहा है जो ना लाहौर से, ये मामला है ये ज्यादा इनको आ जाओ जी नाश्ता आ गया, आ जाओ जी नाश्ता करो जी नाश्ते नाश्ते यार सब चीज लाए आपको खाने वाले बनो अच्छा। नहीं वैसे तो बिजनेस क्लास की ये जो डब्बे होते हैं वो उससे आगे होते हैं ना इंजन के साथ लगे होते हैं, हमारा एक ही डब्बा है जो पीछे लगा हुआ है, पीछे वो पावर पावर इंजन है पावर सोर्स जो है इसके आगे बलोचिस्तान स्टार्ट हो जाएगा ना। अहमद यहाँ पे कब्रें देख जरा, क्यों लगाए हैं तपिश के लिए, हैं तपिश तपिश के लिए मतलब यहाँ कहीं भी ज्यादा है ना, मिट्टी पे दराड़े आई थी ना पेड़ भी ज्यादा होती पता है। अच्छा वो वाली ट्रेन चल रही है हमारी रुकी हुई है, तेरी हर बड़ी रुकी होती है तो भाई उन दोनों को आने दो ना फिर चलते हैं। नहीं बुलान के पहाड़ी सिलसिले शुरू होते ही मेरी खुशी की इंतजार नहीं थी, इस ब्यूटी को देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया था पर इन सुरंगों में से गुजरते वक्त जो नॉस्टैल्जिक फील्स आ रही थी उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लिटरली इन पहाड़ों को देखकर मेरा तो दिल भर ही नहीं रहा था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो हुसन दिया है उसके साथ साथ जो खजाने अल्लाह ताला ने उनसे नवाजा है उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है।
इन पहाड़ी सिलसिलों में कोयला बहुत ज़्यादा तादाद से पाया जाता है, जो खुदाई करके बहुत मिकदार में यहाँ से निकाला भी जाता है। ऐसे पहाड़ी सिलसिले तो मैन वर्सेस वाइल्ड और टॉम क्रूज की मूवीज़ में ही देखने को मिलते थे। लिटरली यहाँ पर आकर जो एक्सप्लोर करने का जो मुझे मौका मिला वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों को एक दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिले तो लाजमी बलोचिस्तान को एक्सप्लोर करें। Look at that! Look at that! So finally, मच पहुंच चुके हम और मगरमच्छ यार, ये तो मेरी सोच से ज़्यादा प्यारा ना, सोच से ज़्यादा प्यारा, तेरी सोच गंदी है। माशाल्लाह, ओ चढ़ के ड्राइवर मामे आ, लज्जा चल चढ़ जा, ओ चढ़ गए बाबा, कौन ओ इंजन च बह गए, ए चल यार, ये तो खूबसूरत है मतलब कि ग्रीनरी देख देख के ना मत बच गई थी। ठीक है, कभी सवात वाली साइड पे जाके और कभी मानसिरा वाली साइड पे जाके, कितना खूबसूरत नजारा है यार, ओए ओए प्यारा है, हैं हवा कितनी प्यारी हुई है। हाँ यार 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 यार, मेरे प्यार हो जाएगा इसके साथ। टाइम नज़ारा ये मैंने कभी नहीं देखा इस तरह, मेरा दिल तो भर ही नहीं रहा इस। ओ हो हो हो, कोई है भाई बैठे, ये 200 सोफे लगे हुए हैं, जैसे खिलौना चल रहा है, वो फ्लो चल रही है ना, चढ़ाइयां हैं, चढ़ाई। हाँ, सो फाइनली तकरीबन टाइम क्या हुआ है, 7:06, 27 घंटों के बाद हम फाइनली कोयटा पहुंच चुके हैं बाय ट्रेन रेलवे स्टेशन। यहाँ बहुत ठंड है यार, जैकेट पहन लिए, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, अब वो आएगी तो हम सामान बीच में रखेंगे और जी मैं अपनी होटल की तरफ जाऊंगा। सो फाइनली हम कमरे में पहुंच चुके हैं और 27 घंटे करके दिखा है, 27 घंटे का ट्रेवल करने के बाद ट्रेन के ऊपर, 27 घंटे फाइनली 27 घंटे हो गए हमें और बहुत सर्दी है यहाँ पे। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, सब आउट ऑफ द वे बकवास कर रहा है, इसे डफना, इतने कुत्ते की तरह खाना, कुत्ते की तरह, ठीक है, खाना तो खाएंगे, जाहिर सी बात है कुछ खाया ही नहीं हुआ, अब ले अजीब आदमी अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है, भूख लगी हुई है, ठीक है, ड्रामी कुत्ता की तरह खाता है, मुझे पता है ना, आपको मैं दिखाऊंगा अगर इसने कैमरा खोलने दिया मुझे, तो मैं सब कुछ खोलने दूंगा, ठीक है जी, आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत हेक्टिक था सब कुछ, तो और इसको मैं यम कर